वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज। आई एम मृत्युंजय कुमार, आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज पॉलिनोमिया। दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नेम इज पॉलिनोमिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम लोग इस लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सीखने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट है वो हम लोग को समझना जरूरी है। वो क्या है देखिए, सबसे पहले मुझे समझना होगा पॉलिनोमियल्स के पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर दो टॉपिक आएगा, और एक कॉन्स्टेंट क्या होता है, दूसरा वेरिएबल क्या होता है। ये दो पॉइंट मुझे, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल मुझे समझना है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है, द कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। आइए ये दो की पॉइंट्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। किसका कम्बिनेशन, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होना चाहिए, कनेक्टेड बाई साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट देखिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट मीन्स ऐसा वैल्यू जो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा कुछ भी ऐसा जो फिक्स होगा, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट। जैसे कोई नंबर्स को अगर लेंगे आप, सपोज कि आप 5 लिए, तो ये जो 5 है ये हमेशा 5 ही रहेगा, कहीं भी चले जाए, किसी कंडीशन में, किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में, ये 5 ऐसा ही 5 रहेगा, ये कभी चेंज होकर ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, कॉन्स्टेंट। तो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं वो सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल्स में जिसका वैल्यू चेंज करता हो, वो कंडीशन होगा जिसके अनुसार चेंज कर सकता है, इक्वेशन के अनुसार चेंज कर सकता है। सपोज कि एक्स, हो सकता है किसी इक्वेशन के लिए एक्स का वैल्यू 2 आए, किसी के लिए एक्स का वैल्यू 3 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू 4 भी आ सकता है। एक्स तो फिक्स्ड है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी जिसका वैल्यू चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो जनरली जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वेरिएबल डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज कि आपका टेम्परेचर, अगर आप वीक का टेम्परेचर लिखेंगे तो मंडे को सपोज कि 18 डिग्री है, ट्यूसडे को 20 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को 25 डिग्री। ये सब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ये देखिए टेम्परेचर फिक्स्ड है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। तो ये कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का कंसेप्ट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। यही कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, लेकिन किसके साथ, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ अगर है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे अगर हमने लिखा 3 + x, ये देखिए ये 3 क्या है, कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है, वेरिएबल, ये तो कम्बिनेशन हो गया। और ये किसके साथ है कम्बिनेशन, एडिशन के साथ। तो क्राइटेरिया क्या है, कम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको लिख कर ऐसे दिया x + y, तो किसी को तो ये बोल सकता है कि सर इसमें तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल होना चाहिए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हाँ होगा, क्योंकि आप कुछ भी वेरिएबल्स लिखेंगे वो हमेशा और हमेशा कम्बिनेशन होगा कॉन्स्टेंट का। कैसे होगा, देखिए एक्स को आप कोई भी वेरिएबल लिखें, एक्स को इसके आगे कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है, क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और 1 क्या है, नंबर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कम्बिनेशन हमेशा होगा। तो इस कारण कोई भी अलजेब्रिक
कोई भी वेरिएबल लिखेंगे वो हमेशा अपने साथ कांस्टेंट को रखता है। तो एक्स प्लस वाई ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, 3x+9+y, ये भी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल विथ अलजेब्रिक विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कुछ भी प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, 2x-9 ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसे हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारा हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, मतलब टर्म्स मीन्स इंडिविजुअल जो होगा पार्ट उसके अंदर। जैसे लिखा हमने 3x+2+y, तो इसमें कितने पार्ट हैं, टोटल 1, 2, 3 पार्ट हैं। तो इंडिविजुअल पार्ट जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उसे हम लोग टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो जनरली जो टर्म्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टोटल मैथमेटिकल साइन देखिए कितना है, टोटल मैथमेटिकल साइन, तो जितना मैथमेटिकल साइन होगा उसमें +1 कर दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। जैसे अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिकल साइन 2 है, फर्स्ट यहाँ सेकेंड यहाँ 2 है, इसमें अपने मन से 1 ऐड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3 है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखें कि अगर हमने ऐसा लिखा 8x+2+3y+z, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिकल साइन देखें कितना है, तो 1, 2 और 3, तो टोटल 3 है, और इसमें अपने मन से 1 ऐड कर दीजिए तो 3+1, 4, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक जनरल कंसेप्ट है। उसकी आगे क्लासिफिकेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टर्म्स के आधार पे, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उसके आधार पे। अब प्लस आगे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, तो डिग्री के आधार पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे टर्म्स के आधार पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है मोनोमियल, मोनोमियल्स मीन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना टर्म होगा, एक टर्म होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे 3x हो गया, -7 हो गया, 5/9a² हो गया, ये सब क्या है, इंडिविजुअल टर्म है, यानी इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको मतलब नहीं दिखेगा किसी अदर के साथ। ठीक है, तो ये मोनोमियल हुआ, मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। फिर है बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे 3x+9, इसमें क्या है, टू टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। फिर है ट्राइनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, यानी जिसमें 3 टर्म्स होगा वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे x-y+7 क्या है, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, मल्टीनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड अ मल्टीनोमियल, मतलब जो इसमें 2 टर्म होगा उसे बाइनोमियल भी कर सकते हैं या मल्टीनोमियल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल मीन्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इससे पहले आप समझने के पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, मल्टीनोमियल्स मीन्स जनरली टू मोर देन वन टर्म जो भी होता है उसे हम लोग मल्टीनोमियल बोलते हैं, मोर देन वन टर्म, 2, 3, 4 जो भी होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल बोलेंगे जनरली। ठीक है, और उससे भी मोर देन 2 टर्म होगा उसे मल्टीनोमियल बोलिए, पॉलीनोमियल बोलिए, सब
सेम है, तो हम लोग उसे पोलिनोमियल भी, पोलिनोमियल से होता है पोली में से होता है बहुत, क्या होता है बहुत, तो बहुत मीन्स क्या, मोर देन टू मोर देन थ्री को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि कोई किसी को भी हम पोलिनोमियल नहीं बोल देंगे, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पोलिनोमियल्स का, वो क्या होता है देखिए, पोलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इंटीजर वेरिएबल और वेरिएबल्स का पावर होल नंबर। अगर कोई टर्म इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा, अगर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यहाँ है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अब विथ जीरो, वो सब के सब क्या होगा होल नंबर, यानी सिंपली कहें तो पावर क्या होना चाहिए होल नंबर्स होना चाहिए, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का, कि इंटीजर होगा पहले उसके बाद वेरिएबल होगा, और वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए होल नंबर, तो सबसे मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है ये पावर उसका, अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर सपोज हमने लिख दिया 3x का पावर -2, पावर में देखिए क्या है नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर है तो पावर नेगेटिव मीन्स होल नंबर नहीं है, अगर होल नंबर पावर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर हमने लिख दिया 2x का पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि पावर जो है क्या है होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, तो पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स होगा। हमेशा ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना चाहिए तभी हम उसे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे 3x टू द पावर 9 अगर हमने ऐसा लिखा तो देखिए 3 क्या है इंटीजर, x क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल्स का पावर क्या है होल नंबर, तो इस क्राइटेरिया को फॉलो किया इट मीन्स ये क्या है पॉलिनोमियल्स हम लोग इसे बोलेंगे। तो ये हम लोग का आज पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और मुझे आज पढ़ना भी है, क्या है पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स किसे बोलेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।